ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मैं कैसे अपनों की बात करती हूं कलयुग में, कैसे अपने कलयुग में है कोई? 100 में एक फैमिली होगी जो अपना फर्ज कर्तव्य निभाते हैं। नहीं तो हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, एक माता इंदौर की जिसने अपनी किडनी अपने बच्चे को दे दी, विधवा माता, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बिजनेस करा के दिया, बच्चे की किडनी खराब हुई तो अपनी एक किडनी निकाल के दे दी और वो बच्चा अपनी वाइफ के कहने में आकर के उस माता को कूट रहा है, पीट रहा है, ठोकरे मार रहा है, घर से बाहर निकाल के फेंकाया है, ये मेरे है। और हर घर की कहानी है, किसी की छुपी हुई है और किसी की। लेकिन मैं आज यहां से आपको एक बहुत सुंदर मैसेज जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए बड़ी शान की बात होगी कि जो भी यहाँ छोटे बैठे हैं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए उनको। चलो आज वो कुछ करने के हालत में नहीं है, लेकिन उनके पास आज भी एक चीज है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वो है दुआएं। उनसे वो लीजिए सुबह शाम। और जो बड़े बुजुर्ग बैठे उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा ली है, अब अपने बच्चों को करने दीजिए। और आपका टाइम आ गया है प्रभु प्रेम में मग्न होने का। अब ज्यादा से ज्यादा वक्त बाबा को याद कीजिए, सेवा कीजिए, कुछ मुरली पढ़िए, बच्चों को फ्री छोड़ दो। अपना प्रेम, अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद, अपने दुआएं बनाए रखिए। यहीं से हमारे घर मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे, यहीं से हमारे घर में स्वर्ग आ जाएगा। दोनों को थोड़ा सा टिकोने की आवश्यकता है, ठीक है ना? छोटों को भी और थोड़ा सा, नहीं तो पैर कब्र में लटक रहे लेकिन चाबी का गुच्छा नहीं छूट रहा हाथ से, ऐसा नहीं। कर लिया ना बहुत कुछ, सौंप दीजिए। अभी तो हमारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए? बहुत सुंदर वक्त मिला है, सफल कीजिए इस वक्त को, काहे की उलझनों में खुद को उलझाना। तो ये दो कंडीशन जब मैं अप्लाई करूंगी तो वो मदद ना करे, ये हो नहीं सकता।